तो इसको कैमरा को एडजस्ट कर लेता है। तो एक डेटा हाथ में आया, वो डेटा क्या है? ये डेटा एक्चुअली एक वीक पहले मेरे हाथ में आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था। एनालाइज करने के बाद ही मैं एक कंक्लूजन में, आजकल एनालाइज करना पड़ता है भाई नहीं तो वो पहले वाला सिनेरियो हो जाएगा, डॉन 3 वाला याद है ना, डॉन 3 सेट्स बन रहे हैं। वो सिनेरियो का बात ना, जब से जो एक साल का गैप दिया ना, एक साल का गैप जिसमें कि मैंने ये सब वीडियोस बनाए नहीं, वो गैप के बाद मैंने एटलीस्ट मोर देन 20 चीज़ें बताई होगी, ऑलरेडी बताई होगी, जिसमें कि 16 सोल है। वो भी वो जो चार चीज़ जो बची थी, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ सीनारियो चेंज हुआ। टीज़र नहीं आया था 15 अगस्त को, वो एक, और एक मैंने बोला था डेट जिसमें कि टीज़र आएगा। हाँ, वो दो को छोड़कर बाकी सब चीज़ें सेम हुई है। जाकर एक बार एनालाइज कर कर देख लो। RKH की फिल्म पहले आएगी बोली, वो हुआ। ARRahman का इन्वॉल्वमेंट होगा बोला, वो हुआ। देन मैंने बोला, हाँ एक उस दिन मैंने बोला 3 दिन के अंदर पठान की टीज़र आने वाली है, वो हुआ। मैंने ये बोला कि पठान की टीज़र उसी टाइम आएगी जिस टाइम पे ये RRR का अनाउंसमेंट वीडियो, टीज़र मैंने बोला था लेकिन अनाउंसमेंट वीडियो उन लोगों ने डाला है, तो वही पीरियड में है, सब कुछ हुआ है। तो अभी भी वैसे ही एनालाइज करके और न्यूज़ वगैरह बटोरने के बाद कुछ आया है कान में कि अपना पठान जो कि जिसका टीज़र है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आना चाहिए था इसको अप्रैल में, अप्रैल के महीने में आती 14 तारीख से पहले, तो भाई साहब एक 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 फायर वाला प्रमोशन होता, एक ऐसा प्रमोशन कि जिसमें कि मतलब आधा से ज़्यादा तो ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, न्यूट्रल ऑडियंस सबको ही बैठ कर देख लेता, पूरा हिंदुस्तान लगभग देख लेता थिएटर के अंदर वो टीज़र को, अगर उसका प्रिंट अप्रैल में अगर लॉन्च किया जाता है टीज़र का प्रिंट। लेकिन ये मतलब ये लोग बॉलीवुड वाले क्या समझते अपने आप को नहीं पता, मतलब इनको पता है, इनको इनको मतलब कोई बताने वाला नहीं है कि ये गधे है, ये पूरा गधे है। कैपेबिलिटी इनके पास हिंदुस्तान का अभी भी सबसे बड़ा इंडस्ट्री कहलाने का है, कैपेबिलिटी इतना है कि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई हद हिसाब भी नहीं है। जितना दूसरे इंडस्ट्रीज के जो नो एन एवरेज एक्टर्स टोटल ऑन ऑन एंड टोटल मतलब ग्रेटेस्ट एक्टर्स है, उतना तो सिर्फ इनके पास, उतना कैपेबिलिटी तो इनका अकेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी फाड़ देगा एक्टिंग वाइज में और राइटिंग वाइज में और डायरेक्शन वाइज में। ऐसे ऐसे है, चांस नहीं देते हैं ना, उनकी बात सुनते हैं, ये सिर्फ अपने फैमिली अपने दोस्त ये फरहाद सामजी को घड़ी घड़ी रोल्स रिपीट में ये डायरेक्शन देना, ये जैकलिन फर्नांडिस को घड़ी घड़ी मूवीज देना, ये यही करते करते ख़त्म हो जाएंगे एक दिन, ख़त्म। कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी इतना है कि मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो कैपेबिलिटी में ये लोग खड़े नहीं उतरते, ये सिर्फ एक ही चीज़ में उतरते, इसमें उतरते। तो अभी भी ये इनका सोच है कि उस डेट में फिल्म मतलब ट्रेलर टीज़र नहीं आनी चाहिए, मतलब जो मैंने डेट बोला, मेरे डेट बोलने से कुछ नहीं होता मुझे पता है, लेकिन ऑन एंड फैक्ट जब मेरा दिमाग इतना काम कर सकता है, तो वो तो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स यशराज प्रोडक्शन हाउस, उनको एक बार भी ये चीज़ दिमाग में माइंड सेट आया नहीं होगा कि 25 जनवरी को फिल्म आ रही है और ये कौन बेवकूफ़ होतिया ये बात फैला रहा है कि टीज़र एक साल पहले नहीं आनी चाहिए। कौन बोला? जीरो का टीज़र एक साल पहले आया, KGF का टीज़र 2 साल पहले आया, वो क्या मूवी है? रावण का ट्रेलर एक साल पहले आया, हाँ और क्या है? हाइप बना ना। रईस का टीज़र 4 साल पहले आया, हाँ हाइप बना ना। कौन बोलता है, कौन बोलता है? टीज़र शुड बी रिलीज्ड एटलीस्ट 10 मंथ्स बिफोर द एक्चुअल रिलीज ऑफ द फिल्म। टीज़र, मैं ट्रेलर की बात नहीं कर रहा है, मैं टीज़र की बात कर रहा है, क्योंकि टीज़र धूम 3 का टीज़र 8-9 महीने पहले आया। कौन बोला, कौन बोलता, कौन हॉलीवुड की फिल्म का ट्रेलर आता है 10 महीने पहले? कौन बोलता है ये सब फलाना फालतू फंड का बात, ये सब कौन बोलता है? सो दैट वॉज द बेस्ट डेट एक्चुअली टू रिलीज द टीज़र, दैट वॉज अप्रैल, बिफोर अप्रैल 14, मतलब वो ग्राफ के बीच में, क्योंकि उस जगह पे इतनी फिल्में हैं, इतनी फिल्में। एक प्रिंट तमिल वाले को, क्योंकि तमिल तेलुगु हिंदी तीनों आ रही है पैन इंडिया फिल्में, मैंने ये भी बोली, मैं फर्स्ट बंदा था जिसने बोला था पैन इंडिया, पैन 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 बोलकर बहुत मजाक उड़ा था। उसके बाद मैंने बोला कि अपना पठान भी पैन इंडिया फिल्म ही है, तब सब ने बढ़िया से वीडियो वीडियो बनाया पैन इंडिया फिल्म ही है, तमिल तेलुगु हिंदी तीनों है। एक तमिल प्रिंट भेज सकते हैं, बीस्ट मूवी के प्रिंट के साथ तमिल का टीज़र लगा सकते हैं, तेलुगु का टीज़र को टेंशन ही नहीं है, बचा हिंदी का टीज़र, तीनों प्रिंट को एक साथ KGF के साथ लगा सकते हैं। देन KGF के बाद रनवे आएगी, रनवे के साथ एक और फिल्म है हीरोपंती 2 आ रही है, ये बीच में एक और फिल्म भी है, ये इन सब के बीच में, ये चलते चलते लाल सिंह चड्ढा तक पहुँचेंगे, है ना,
है कि नहीं, इवन जून में उन जहाँ पर डेट मैं बताने वाला हूँ वो डेट में उनकी भी फिल्म आ रही है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं था। इन लोगों ने डिसाइड किया है टीज़र को रिलीज़ करने का डेट है 3 जून, 3 जून, यानी कि पृथ्वीराज फिल्म जो रहेगी उसके प्रिंट के साथ पठान का टीज़र का प्रिंट अटैच होगा, जो कि मुझे लगता है कि ठीक ठाक डिसीजन है। ठीक ठाक डिसीजन इसलिए इन लोगों ने फिर वही काम किया, सिर्फ अपना देखा और अपने पैसे का देखा। पठान के टीज़र के वजह से, थिएटर में देखने की वजह से पृथ्वीराज चलेगी, पृथ्वीराज को एक और बूस्टअप मिलेगा। ये वही देख रहे अपना अपना जेब कैसे भरा जाए, बस इन लोगों ने वही देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब कोई डिसीजन हुआ नहीं, बट वो कि फिर भी चलेगा। 3 जून को इन लोगों ने प्लान किया है टीज़र को रिलीज़ करो, और 3 जून नहीं हुआ तो ये वो जून का महीना ही है जहाँ पर ये पठान का कुछ बड़ा टीज़र आने वाला है। तो अभी ये वीडियो को सेव करके रख लो। हाँ, उस टाइम नहीं आया तो ठीक है, गलत हो गया भाई। हाँ, इंसान है, भगवान नहीं है भाई, हम भी इंसान ही है। तो हम भी बैठे हुए हैं 25 जनवरी के लिए, जाकर थिएटर तोड़ देंगे और चेन वाले को तो पकड़ लो, मारना है उसको, तो बताऊंगा। बाबा उसका वीडियो का इंट्रोडक्शन देख के डर जाता है, कान में हेडफोन लगा के देख नहीं सकते उसके वीडियो, बहुत डेंजर आदमी हो। सो दैट इज़ अ सीनारियो। 3 जून को हो सकता है अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए, मुझे भी लगता है 3 जून को आ जाना चाहिए, क्योंकि टीज़र मैंने पहले भी बोला, टीज़र कोई 2-2.5 महीने पहले नहीं आता है। टीज़र 1 साल पहले, 2 साल पहले, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले ही आता है। सो टीज़र, दैट इज़ द परफेक्ट टाइम टू रिलीज़ द टीज़र। दैट वॉज नॉट द परफेक्ट टाइम, जो मैंने बोला तो वही था, बट ठीक है, अगर वहाँ पर भी आती है तो टाइम मिलेगा एक रिकवर करने के लिए। कितने मिलियन व्यूज़ उठा पाता है वो फिल्म, कितना हाइप कर पाता है, और वैसे भी अभी से चालू तो हो गया है नेगेटिविटी पूरा फैलना। तो टीज़र आए और उसके बाद और ज़्यादा गर्म हो मैटर, तबाही मचे, फिल्म गर्म होती जाएगी, और उस जगह पे हथौड़ा का काम कौन करेगा बताए? उस जगह पे हथौड़ा का काम करेगा उसका स्टोरी, फिल्म का स्टोरी, और फिल्म के स्टोरी में दम हुआ ना भाई। मैं मतलब ना, मैं हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तब नंबर्स का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अगर दम हो गया नंबर्स का अंदाज़ा तब लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम एक नंबर बोलेंगे 40-50 बोलेंगे, वो 50 को भी पार करने का स्ट्रेंथ रख देगी, कुछ भी हो सकता है। सोलो रिलीज़ तो पक्का है, मैंने उसी दिन बोल दिया। तब 2 महीने, एक महीने पहले रिलीज़ हुई थी ना, 1 महीने पहले बोली सोलो रिलीज़ पक्का है। ये पूरा प्लानिंग था फिल्म को घेर कर सोलो रिलीज़ करवाने का, और उन लोगों ने प्लान को अमल किया। तो अब तो वहाँ पर सिर्फ एक ही सुपरस्टार है जो शायद आकर उंगली कर दे, लेकिन मुझे वो भी शायद में मैं काउंट कर रहा हूँ उसको, शायद में, उसके अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता वहाँ पर आएगा। सो चाहे वीडियो सही लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वेट करते हैं 3 जून का। 3 जून में कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं है, वो पृथ्वीराज चौहान आ रही है, वो फिल्म के साथ इन लोगों ने पहला प्रिंट रखने का प्लान किया, और पठान के साथ इनका प्लान है टाइगर 3 का टीज़र वगैरह जो है रिलीज़ करने का। यही है, ये आपस में जो वायरा 50s की फिल्म के साथ कोलाइड अप करने के लिए दूसरे फिल्म का टीज़र ट्रेलर सब कुछ एक साथ एक पैकेज में लगाना चाहते हैं थिएटर में। तो ये मुझे थोड़ा हद तक लॉजिकल लग रहा है, तो ये होगा भी शायद। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।